नर्मदा परिक्रमा करते समय हर परिक्रमावासी को इस बात का जरूर एहसास होता है कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ के दुआओं का असर लगता है कि ये मेरे माँ के दुआओं का असर लगता है। और सही में परिक्रमा के अंदर मैया की दुआओं का असर पल पल पर हमें मिलता है। हमने रात में शहडोल में विश्राम किया और दूसरे दिन सुबह विराट मंदिर के दर्शन करके आगे अमरकंटक के लिए निकल पड़े। आइए देखिए, हम बढ़ चले अमरकंटक की ओर। बहुत सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़ हैं। ऐसा लगता है मानो ये ऊंचे नीलगिरी के पेड़ स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अमरकंटक जाने के लिए शहडोल से दो रास्ते हैं। एक तो आप शहडोल से अनूपपुर होते हुए राजेंद्र गांव और फिर आगे अमरकंटक जा सकते हो, और दूसरा रास्ता है शहडोल से बुढ़ार और फिर राजेंद्र गांव होते हुए अमरकंटक की ओर। दोनों रास्ते एकदम बढ़िया है, सड़क बहुत बढ़िया बनी हुई है, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। सिर्फ अनूपपुर से अगर आप जाते हो तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है। अभी हम लोग बुढ़ार से निकल चुके हैं, अभी धनपुरी बोल के गाँव आया है। लॉकडाउन होने से पूरा का पूरा जो गाँव है वो पूरी दुकानें जो है सब बंद है, और पुलिस की गाड़ियों में अनाउंसमेंट कंटिन्यू चालू है कि सब लोग बंद रखे। हमारे सामने सामने पुलिस की गाड़ी चल रही है। अभी हम लोग का नाम है सोहागपुर, कोयले की खदानें बहुत है यहाँ पर, खुली खदानें हैं काफ़ी जगह पे, खुली खदानें होती हैं काफ़ी जगह पे, अंडरग्राउंड खदानें होती हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर ज़िले में काफ़ी खदानें हैं, उसी प्रकार यहाँ भी कोयले की काफ़ी खदानें हैं। और यहाँ से कोयला जो है वो पूरे भारतवर्ष में जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। नीचे की ज़मीन देखिए कैसी काली काली दिख रही है, सारा कोयला है इधर देखिए, पूरा पाउडर ना काला हो गया। बुढ़ार धनपुरी से राजेंद्र गांव की ओर जाते हुए रास्ते में लॉकडाउन होने की वजह से सभी होटलें बंद है, तो तब हमने सोचा कि क्यों ना आज जंगल के अंदर भेल बनाकर उसका मज़ा लिया जाए, वन भोजन किया जाए। तो रास्ते के ऊपर आम के पेड़ हैं, बहुत आम के पेड़ लगे हुए, और इन आम के पेड़ों के बीच में हम यहाँ पर रुके हैं, बढ़िया भेल बनाकर खा रहे हैं। ये देखिए, प्याज कैरी टमाटर कट करके, मुरमुरा मिक्सचर सब मिक्स करके इस प्रकार से देखिए बढ़िया भेल बनने जा रही है। यहाँ से राजेंद्र ग्राम जो है 13 किलोमीटर की दूरी पे है, बढ़िया सड़क है, एकदम पक्की बनी हुई, बिल्कुल भी कहाँ पे भी खड्डे नहीं, कुछ नहीं। अमरकंटक टोल लेकिन बंद है। अमरकंटक यहाँ से 56 किलोमीटर पीछे में था, 50 किलोमीटर तक रह गया होगा शायद। देखिए सुंदर बड़े वृक्ष है, और ये वृक्ष कैसे लगते हैं कविता? कैसे किसके जैसे दिखते हैं वृक्ष? आप बता रहे थे शिवजी के जैसे वृक्ष है, या शिवजी की तरह होते हैं, शिवजी का मानो साक्षात रूप होता है, क्योंकि वृक्ष जो है वो शांति प्रदान करता है। उसी प्रकार भोलेनाथ का दर्शन शांति प्रदान करता है। दो प्रकार के दर्शन होते हैं, एक है विष्णु दर्शन और एक है शिव दर्शन, भोलेनाथ का दर्शन। विष्णु दर्शन जो है गृहस्थी का दर्शन है, और शिव का जो दर्शन है वह वैराग्य का दर्शन है। तो जो वैराग्य का दर्शन होता है वह शांति प्रदान करता है, इसीलिए शिव के दर्शन को शांति रूप कहा गया है। इसीलिए वृक्षों के पास जाइए, आप वृक्षों के पास आपको शांति मिलती है। और दूसरी ओर एक बात कहता हूँ कि वृक्ष जो है कार्बन डाइऑक्साइड रूपी हलाहल
विष को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रूपी अमृत हम सबको देते हैं। इसीलिए वृक्ष जो है वो शिव के साक्षात रूप होते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मरकंटक के ओर चलते जा रहे हैं। काफ़ी घुमावदार रोड है, सड़क एकदम अच्छी बनी हुई है लेकिन काफ़ी घुमावदार रोड है क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। मेकल पर्वत पे हम हैं और ये है राजेंद्र ग्राम। इसके बाद में अमरकंटक जो है 40 किलोमीटर की दूरी पे रहा है। ये है पीपरहा गांव, मुझे अमरकंटक 30 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। भैया की कृपा, कॉफी पीने का मन कर रहा था तो मैं 2 मिनट पहले गोपाल भैया को बोला, गोपाल भैया आज कॉफी नहीं पिलाते हो क्या, और बस इतना कहने भर की देर थी, नर्मदे हर बोला और सामने एक चाय कॉफी की दुकान मिल गई। बढ़िया भैया चाय कॉफी बना रहे हैं, मैं और कविता कॉफी लेंगे, गोपाल भैया और भाभी चाय लेंगे। नर्मदे हर, ये देखिए अति सुंदर जलाशय बना हुआ है, देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर नजारा है। यहाँ पर काफी तादाद में बंदर है, ये पूरा घुमावदार रास्ता है, पहाड़ी है और नीचे में दरी। जंगल दरी है, घाट का रास्ता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दृश्य है ये। दोनों तरफ से ऐसे जैसे तोरण बना हुआ रहता है उस तरीके से दोनों तरफ के झाड़ एक मिक को आसपास में मिल रहे हैं और रास्ता बीच में से जा रहा है। मैकल पर्वत की शिखर पर पहुंचते हुए और यहीं पर नर्मदा जी का जन्म स्थान, नर्मदा जी का उगम स्थान, शिव जब घोर तपस्या कर रहे थे तो उनकी घोर तपस्या में उनके माथे से एक श्वेत की बूंद निकली, एक पसीने की बूंद निकली, और जैसे उस पसीने की बूंद ने, उस श्वेत की बूंद ने धरती को चूमा, वैसे उस श्वेत में से, उस पसीने में से एक सुंदर बालिका का जन्म हुआ, और वो बालिका और कोई नहीं तो नर्मदा मैया थी। और नर्मदा मैया ने देखा कि भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं तो वह स्वयं भी तपस्या करने के लिए बैठ गई, उन्हीं के बगल में तपस्या करने में लग गई। जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालिका यहाँ बैठकर तपस्या में लीन है, तो उन्होंने उसे वरदान दिया और उसे नाम दिया नर्मदा, जो नरम दिल की है, जो बड़े कोमल दिल की है, ऐसी नर्मदा। और इसीलिए नर्मदा को शिव कन्या कहा गया है, भोलेनाथ की पुत्री का उसे रूप दिया गया, भोलेनाथ की पुत्री का उसे महत्व दिया गया है। मैकल पर्वत पर उसका जन्म हुआ इसीलिए वो मैकल सुता के नाम से पहचानी जाती है, मैकल सुता के नाम से जानी जाती है। और अमरकंटक में उनका जन्म स्थान है और यहाँ से वो प्रवाहित होती है अरब सागर की ओर। पश्चिम वाहिनी सबसे पवित्र नदी अगर विश्व में कोई है तो वो नर्मदा है, और नर्मदा की परिक्रमा का एक बहुत बड़ा महात्म्य है। हम तो तकदीर वाले हैं कि हमें नर्मदा परिक्रमा करने का यह मौका मिला है, यह संधि हमें प्राप्त हुई है। नर्मदे हर कहा जाता है, नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से ही अपने पूरे पाप खत्म हो जाते हैं, मनुष्य पवित्र हो जाते हैं, अपन पवित्र हो जाते हैं सिर्फ दर्शन मात्र से। नर्मदे हर। अमरकंटक अभी मात्र 10 किलोमीटर रहा है, अभी हम चलते जा रहे हैं अमरकंटक की पावन भूमि पर। आने का हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने करीबन 11 दिन पहले यह यात्रा स्टार्ट की थी और हमारी यात्रा जो है अभी 4 दिन में और आगे हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। कोई भी अगर किसी के पास 15 दिन का समय हो तो वो ज़रूर यह यात्रा करें, क्योंकि समय का सदुपयोग करिए। हाँ, कभी भी अपने पास समय है तो कंपलसरी यह यात्रा कीजिए, इतना आनंदित मन आपका हो जाएगा और दुनियादारी से परे हम हो जाते हैं, सिर्फ हमें आनंद और आनंद के अलावा कुछ नहीं सुधरता है, क्योंकि ज़िंदगी की भागदौड़ तो ज़िंदगी भर चलना ही चलना है, लेकिन मन शांत करने के लिए 15 दिन हमें मैया के लिए ज़रूर देना चाहिए। और जब भी हमें समय तो किसी के पास रहता नहीं, निकाल कर लेकिन यह
यात्रा जरूर करना चाहिए। जो हम बोलते हैं कि आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वो इसी धरती पर यहीं आकर होता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा, पूरा खाई बनी हुई है। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। अमरकंटक मात्र 3 किलोमीटर। ये बोर्ड बता, माँ नर्मदा की पवित्र नगरी अमरकंटक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए माँ नर्मदा की पवित्र नगरी अमरकंटक में आपका हार्दिक स्वागत है। नर्मदा मंदिर 2 किलोमीटर, हॉलीडे होम्स। हाँ, नर्मदा मंदिर यहाँ से 2 ही किलोमीटर है। जैसे ही हमने अमरकंटक के उस पावन नगरी में प्रवेश किया तो आगे एक छोटे से शिव मंदिर के सामने भस्म लगाकर एक महात्मा जी बैठे हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें प्रणाम किया तो कहने लगे, परिक्रमा में हो तो सावधानी बरतिएगा क्योंकि यहाँ पर मैया बाल रूप में विहार करती है और माई के बगिया से नर्मदा मंदिर तक तो भूमिगत रहती है, तो कहीं भी जाते समय पूरे सावधानी के साथ जाइए नहीं तो परिक्रमा खंडित हो सकती है। तब हमने उन्हें पूछा कि बाबा जी तो अब क्या किया जाए, तो कहने लगे कि एक बालक ही आपको रास्ता दिखाएगा, एक बालक ही आपका मार्गदर्शन करेगा, आगे जाइए। यह कहकर महात्मा जी चुप हो गए। हमने उन्हें प्रणाम किया, आगे निकल पड़े। लॉकडाउन था, सभी आश्रम बंद थे, एक छोटी सी दुकान खुली थी। हमने उस दुकान के सामने हमारी गाड़ी खड़ी की और उस दुकान में बैठी मैया से पूछने लगे कि मैया हम परिक्रमा में है तो हमें रास्ता बताइए। हमारा इतना कहना ही था कि एक 13 साल का बालक जिसका नाम शिव था वह हमारे पास आया और कहने लगा कि मैं आपको रास्ता बताऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। हम बड़े खुश हो गए, हम उसके साथ चल पड़े। वह हमारे गाड़ी में बैठ गया और रास्ता दिखाने लगा। हम चलते चले, लॉकडाउन की वजह से सभी होटल बंद थे, भूख बड़ी ज़ोरों से लगी थी। जैन मंदिर के पास एक जगह पर उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा और वहाँ पर हमें गर्मा गर्म भोजन मिला। हमने बढ़िया गन्ने का रस वहाँ पर पिया, भोजन किया, बड़ा आनंद आया। नर्मदे हर, नर्मदा मैया की अनुभूति कुछ अलग होती है। आज हम अमरकंटक में हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें भूख लगी थी और मन में विचार था कि अब यहाँ लॉकडाउन, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, खाने के लिए कहाँ मिलेगा। लेकिन मैया की कृपा, मैया का चमत्कार, मैया के चमत्कार की अनुभूति ऐसी हुई कि हमें बढ़िया गर्मा गर्म खाने के लिए मिला है। अभी हम लोग यहाँ जैन भोजनालय में आए हैं, यहाँ पर माता जी है, बहुत बढ़िया उन्होंने खाना खिलाया है, गन्ने का रस हमने पिया है। यहाँ माता जी है, माता जी यहीं के निवासी है। तो माता जी कैसे है, नर्मदा मैया के चमत्कार के बारे में आप बताइए थोड़ा सा मुझे। देखिए उनके अभी से आंसू निकल आए, ऐसे ही मैया है। मैया जी कैसे हो आप बताइए आप। मतलब यहाँ नर्मदा जी का बहुत प्रताप है, यहाँ पे कोई भी इंसान भूखे नहीं रह सकता। आपकी जो भी इच्छा होगी, अगर आप सोच के निकलेंगे कि हमारी ये इच्छा कैसे पूरी होगी, हम जंगल में भटक गए हैं, तो किसी भी रूप में आके आपको नर्मदा उंगली पकड़ के रास्ते पे लाएगी। बिल्कुल सही है, चाहे जिस रूप में आए, बुढ़े के रूप में आए, बचपन में आए, कैसे भी आएगी, वो आके आपको रास्ता दिखाएगी। आप भूखे रहेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं से, आप बैठे रहिए, मत कमाइए, मत कुछ करिए, मतलब कर्तव्य तो करना पड़ता है जी। अजमाने के लिए आप बैठिए, आपको अचानक किसी भी रूप में कोई भी आदमी आके पैसा देगा, राशन देगा, मतलब सोते सोते तक आप भूखे नहीं सो सकते। बहुत बढ़िया, ऐसा हमारा यहाँ नर्मदा जी का जी। ये तो मेरा जन्म स्थान है, मैं तो बचपन से यहाँ रही हूँ जी। मेरे माँ बाप रहे यहाँ जंगल में जी। तो मतलब नर्मदा जी जो है सारी नदियों की एक तो महान है ही, बाकी दयालु भी इतनी है जिसे कोई हद नहीं। अच्छा, ऐसी कोई अनुभूति या ऐसा कोई चमत्कार मैया आपको आया है कि मैया ने आपको इस तरीके से कुछ चमत्कार बताया? जो चमत्कार तो हमने अपने बचपन से लेकर अभी तक बहुत देखे। नर्मदा मंदिर में 4-5 साल की लड़की यात्रियों की नर्मदा मंदिर के अंदर रह गई, वो लोग बाहर निकल गए, गेट बंद हो गया, ताला लग गया, बच्ची सब मंदिरों में घूमती रही, यात्री सब आ गए, वो सोचे माँ के साथ गई, माँ सोचे बाप के साथ गई, वो बच्ची अंदर रह गई, पुजारी अपना चला गया चाबी लेके, यात्री रात भर ढूंढे बच्ची नहीं मिली। फिर सुबह 6 बजे मंदिर खुला,
तो बच्ची माँ के दरवाजे में बैठी थी, वहीं बगल में दूध का गिलास रखा था, हम लोग खुद देखे हैं। महावर के पैर बने थे, बाप रे बाप, ये हमारे आंखों देखा चमत्कार है। देखिए कितना बड़ी बात कर दी, इसलिए मेरे को उनका बताते समय मेरे को आंख में आंसू आ गए। बहुत बड़ी बात कर दी, माई के दरवाजे में ताला बंद है और बाहर माह और भरे चरण उनके है और खाली दूध का गिलास रखा है। और लड़की से पूछे गया, बेटा तुमको दूध किसने पिलाया? तो बोले पता नहीं, एक अम्मा आई थी, उन्होंने हमको गोद में बिठाला है, उसके बाद में हमको दूध पिलाया है। और अभी सुबह 4 बजे चली गई, वो कहाँ चली गई, मेरे को रोने भी नहीं दिया, कुछ नहीं करने। वो लड़की का मुंह जवानी कहानी आपको बता रही। क्या बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ऐसे करके हम लोगों ने हमारे कंटक में बहुत सारे चमत्कार देखे। अभी आपको भी देखना, आप जंगल में घुस जाओ कि हमको पता नहीं है, माई बगिया जाना है, रास्ता भटक जाओ, आपको बुढ़े रूप में आएगी, बचपने रूप में आएगी, किसी ना किसी, दादाजी आप आइए, इधर से चलिए, इस रास्ते से चलिए। मतलब ऐसे हमने बहुत सारे चमत्कार अमरकंटक में देखे। मैं दूसरी जगह शादी हो गई थी, सबको हमारे पिताजी तो अति से ज्यादा देखे हैं। अच्छा। अभी 90 साल के होके बिना चश्मा के खत्म हुए हैं। अच्छा। मतलब आदमी एक आया हमारे पिताजी के पास, हम लोग 6 बहन एक भाई थे, राशन ला के फिर खा। मतलब प्रताप ये है कि आप अभी खुद आजमा लीजिए कि इतने लॉकडाउन में आपको खाना मिला। आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।